अरे तुम्हारे पास में बागेश्वर धाम वाले बाबा है, चमत्कारी बाबा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाओ और मैं करूँ अफगानिस्तान तक कब्जा कर लो। हिंदू धर्म में कुछ है नहीं, यही कर्म कांड है, यही जो है ढोल पसोल, उनको हर दो साल के बाद में एक चीज नहीं लानी पड़ती है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, नई नई दुकान खुली है, सामान बिक रहा है, बिकने दो उसका। तमाम चैनलों पे आप देख रहे हैं लगातार धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का जो है उपचार और प्रचार हो रहा है। लगातार जो मीडिया है उसको तूल दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि बाबा चमत्कार करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर, जिनके द्वारा संविधान लिखा गया था, उसका यहाँ प्रोग्राम होना था और उसी के साथ हमारे साथ है राहुल नागपाल जी। तो राहुल नागपाल जी, जो लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं कि भैया हम हनुमान भक्त हैं, जो कहता हूँ वो होता है, लोगों के अंदर से भूत निकाल देते हैं, तो ये कितना जो अभी तूल चल रहा है, लगातार जो मीडिया है, नेशनल मीडिया लगातार दिखा रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री और उनके तमाम भक्तों की एक लिस्ट बनाओ और मैं कह रहा हूँ बड़े ओपन मन से इस आपके चैनल पे, क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने तमाम लोगों की, अपने भक्तों की जो उसमें आस्था रखते हैं, जो उसमें विश्वास रखते हैं, और खासतौर से उस पत्रकार की, जो पत्रकार वहाँ नीचे बैठा है, ठीक है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, इनकी तमाम लोगों की लिस्ट बनाओ, पाकिस्तान के बॉर्डर से सेना हटाओ और इन्हें वहाँ भेजो कि ये जो हमारे सैनिक मर रहे हैं क्यों मर रहे हैं, जब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है हनुमान जी के आशीर्वाद से, तो भैया वहाँ जाओ लड़ो, अपना पाकिस्तान को भस्म कर दो, हम अफगानिस्तान तक कब्जा करना चाहते हैं। जब हमारे पास में ऐसी ऐसी अलौकिक ताकतें हैं जो घर बैठे उपचार कर रहे हैं, तो क्या जरूरत थी मोदी जी को राफेल लाने की? क्या जरूरत थी मोदी जी को, क्या नाम है, ये बड़े बड़े मिसाइल खरीदने की? क्या जरूरत थी मोदी जी को टाइगर लाने की, देश की शान बढ़ाने की? अरे तुम्हारे पास में बागेश्वर धाम वाले बाबा है, चमत्कारी बाबा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाओ और मैं करूँ अफगानिस्तान तक कब्जा कर लो और हमारा देश बढ़ेगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है यार बहुत ज्यादा। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा, मैं तुझसे कह रहा हूँ भाई, तू अपने सैनिकों को, अपने जो तेरे भक्त हैं उनको लेकर के जा और वहां पे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रख, और वहां जब तू पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगेगा तो अफगानिस्तान तक कब्जा करेंगे, और मैं करूँ उपजिस्तान जितने स्थान है सब पर कब्जा कर लो, तुम्हारी समस्या भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुसलमानों से बड़ी दिक्कत है, मुसलमान कंट्रियों से बड़ी दिक्कत है। हालांकि ये बात अलग है कि पेट्रोल और डीजल वहीं से आता है जब इनके क्या नाम है दाल रोटी चल रही है, तो लेकिन उसके बावजूद ही मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमको इतनी ही दिक्कत हो और तुम इतनी ही ज़्यादा ताकतवर हो, तो समाधान बता रहा हूँ मैं। धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जितने देश के अंदर गधे घोड़े घूम रहे हैं, ये इनसे सबसे कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाओ भैया, हमारे देश के बेचारे गरीब किसानों के बच्चे बेटे जो बेटियाँ मर रहे हैं बॉर्डर पर, सीमा पर लड़ लड़के शहीद हो रहे हैं, तो आप जाओ वहाँ जाकर अपनी हनुमान जी को भी ले जाओ और दो चार देवताओं की जरूरत पड़े तो नहीं भी ले जाओ, और मैं करूँ मंदिर ही बना दो एक बढ़िया परमानेंट, हो तुम्हारे के आश्रम भी बनवाए थे, फिर देखेंगे तुम में कितनी ताकत है, पाकिस्तान से जो मिसाल आएगी तुम्हारा जो 40 साहब उसे रोक पाएगा या कुछ और करना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री को आपने गधा घोड़ा बोल दिया और उनके समर्थन में तमाम लोग जुट गए हैं। ये देश बड़े, इस देश में मूर्खों से बड़ी चहल पहल है, देश के अंदर मूर्खों से बड़ी चहल पहल है। वैज्ञानिक सोच के लोग, अब मुझे बताओ ये जितने लोग घूम रहे, बाबा रामदेव एक समय कहता था कि मैंने अपने आप को ऐसा तैयार किया कि साहब मैं 200 साल से पहले नहीं मरूंगा। पट्टा बीमार हुआ एम्स में दिखा, दूसरों जगह रहा था अंग्रेजी दवाई मत खाओ, हैं कहाँ दिखा, एम्स में। ये जितने घूम रहे हैं चमत्कारी बाबा, एक और आया था पहले 2 साल पहले निर्मल बाबा, वो कहता था जी क्या कब का कल ये कृपा वहां रुकी हुई हरे समोसे खा रहे चटने के, आजकल वो गायब है, मार्केट में दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ, ये है क्या मैडम, इस बार रुकी हुई है उनकी, हाँ उनकी कृपा कहाँ रुकी है, वो दुनिया की कृपा बता देते कहाँ रुक रही है, उनकी कृपा कहाँ रुकी है, आजकल वो कहाँ रुके हुए ये पता नहीं है किसी को। लोगों को पता है, कुछ चतुर और चालाक किस्म के लोग, उन्हें पता है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दे धर्म के नाम पर, पाखंड के नाम पर लोग बेकूफ बनते, यहाँ तो तैयार बैठे हैं ना बनने को, यहाँ दिक्कत बता रहे हैं, लाखों लोगों की जो है संख्या आती है वहाँ पर, लाखों लोग बैठ रहे हैं, भूत निकाल रहे हैं बाबा सामने। मैं बता रहा हूँ आपको कि भूत तो निकाल रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं ना, एक जरा देश के अंदर एक साइंस नाम की चीज है, जिन्होंने क्या नाम है तुम्हें हेलीकॉप्टर दिया, हवाई जहाज दिया और बहुत सारी चीजें दी, आप ये माइक हम जो सिस्टम बोल रहे हैं ये वैज्ञानिकों ने बनाया, ये जितने बाबा घूम रहे हैं उन्हें एक चीज बता दो कि तुमने आज तक किस चीज का निर्माण करा, सुई का भी निर्माण कराया इन्होंने नहीं करा ना, इनको विदेश भाषण देने जाएगा कहाँ बैठ के जाएंगे, हवाई जहाज में, किसने बनाया, तुम्हारे चाचा ने बनाया, ये किसने बनाया भाई, साइंटिस्टों ने बनाया, वहां जाओगे माइक पे बोलोगे माइक किसने बनाया, तुम्हारे चाचा ने बनाया, तुम्हारे फूफा ने बनाया, किसने बनाया, साइंस ने बनाया, वहाँ जिस सिस्टम पे तुम बोल रहे हो, जो तुम्हारा सिस्टम लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है, किसने दिखाया बनाया, वो सिस्टम साइंस ने बनाया। अगर तुम में इतनी ताकत है, रामायण काल में महाभारत काल में कहते साहब उड़न खटोले होते थे, तो दो चार उड़न खटोले, अब तो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, ये बात अलग है कि यहाँ की एक भी यूनिवर्सिटी विश्व के किसी कोने में नहीं आती, ठीक है, लेकिन विश्वगुरु बनने जा रहा है, तो भाई अब एक दो उड़न खटोले तुम भी बना लो, अब तो वीरेंद्र ये शास्त्री जैसे लोग आ गए बड़े चमत्कारी हैं, इनसे कहो दो चार उड़न खटोले बनवा, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, डीजल बहुत महंगी हो रही है, नहीं है ना वो, अरे निर्माण करता क्यों नहीं है,
जब वो कह रहा है कि मैं सब जानता हूँ, सब बता दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, मसल दूंगा, ये कर दूंगा, तो भाई बताना दो चार कोई निर्माण कर यार। तारों की कुंडली बता दी आपकी आप बताओ मेरी कुंडली क्या है। मेरी कुंडली तो गूगल पर पढ़ी है, गूगल अपने आप बता देगा वो क्या बताएगा। और जिस पत्रकार की उन्होंने बताई है मैंने चेक करा, यूट्यूब पर सारी उसकी पढ़ी है, फेसबुक पर सारी उसकी लिखी पड़ी है, तो पता है धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान बढ़िया चल रही है इस समय। ये क्या है देखो आप समझो इस बात को, ये हिंदू धर्म का एक पार्ट है। हिंदू धर्म जो है वो एक किताब है सुरेंद्र शर्मा अज्ञात की, हिंदू धर्म बालू की भीत पर। हिंदू धर्म में कुछ है नहीं, यही कर्म कांड है, यही जो है ढोल पसोल। उनको हर दो साल के बाद में एक चीज नहीं लानी पड़ती है, कभी रामदेव को उठा लाते हैं, कभी राम रहीम को उठा लाते हैं, कभी आसाराम को उठा लाते हैं, कभी निराशाराम को उठा लाते हैं, कभी किसी रामपाल को उठा लाते हैं, कभी श्यामपाल को उठा लाते हैं, कभी कोई दूसरे को उठा लाएंगे, अब धीरेन्द्र शास्त्री को उठा लाएं, अब इसके पीछे लोग लगे रहेंगे, थोड़े दो चार साल के बाद में फिर कोई नया बाबा उठा लाएंगे। ये पिछले 20-25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हर दो साल के बाद में एक बाबा आ जाता है और वो अपनी दुकान चलाता है, 100-200 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करता है और अपना चलता मनता है। इनमें मुझे बता दो ना तो कोई बुद्ध बना, ना कबीर बना, ना नानक बना, ना रैदास बना, और तो और रजनीश भी नहीं बनना कोई। रजनीश तो तार्किक थे, ओशो तो तार्किक थे, इनकी औकात ओशो बनने की भी नहीं है। ये जितने लोग धर्म का धंधा चला रहे हैं ना, ये जितने लोग लोगों को डरा के धमका के भूत भय भाग्य भगवान के आधार पर जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये बनने वाले तो मूर्ख ही हैं। और ये जो बना रहे हैं पता है इनको मूर्ख बना रहे हैं, ये बन रहे हैं। सीधा कनेक्शन है ऊपर वाले से। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, सीधा कनेक्शन है। तो सीधे कनेक्शन से ये भी पूछ लें जरा के भारत की, भारत में जो गरीबी है, भुखमरी है और जो बेरोजगारी है, इसका भी कोई समाधान है नहीं है। तो भाई स्लिम क्लिम रहने के लिए भूखी तो जो है एक्ट्रेस भी रहती है। अच्छा तो मतलब भारत में, अच्छा अच्छा भारत में 20 करोड़ आदमी रात को भूखा सोता है, ये हंगर स्ट्राइक की हंगर की उसकी रिपोर्ट है। तो भारत में 20 करोड़ आदमी भूखा सोता है। जिस देश के अंदर 20 करोड़ आदमी भूखा सोता हो उस देश को रोटी की जरूरत है या धर्म की जरूरत है, बताओ पहले मुझे। लोग तो धर्म के पीछे भाग रहे हैं। हाँ तो उनको लग रहा है कि बाबा कृपा कर देगा रोटी बन जाएगी, इन्हें पता नहीं कि बाबा तो वही लंगोटी भी ले जाएगा। और जब लुटेंगे पिटेंगे ना, जैसे राम रहीम के साथ हुआ, आसाराम के साथ हुआ, जब देखिए सत्ता का साथ होता है इनके पीछे क्या गया, इनके पीछे वोट बैंक बन जाता है। पंजाब के अंदर आप देखेंगे पिछले 10-15 साल में कि वहाँ डेरों की शुरुआत हुई 90 के आसपास। जब डेरों की शुरुआत हुई तो ये निरंकारी डेरा, ये इसका डेरा, ये उसका डेरा, ये राहुल का डेरा, ये साहुल का डेरा, बहुत सारे डेरे बन गए और हर डेरे में दो दो चार चार पांच पांच फॉलोवर। अब सरकार बनानी है किसी को तो वो भी जाकर हुई कहता था बाबा कृपा बरसाओ, तो बाबा कहते थे कि जाओ बीजेपी को दे दो, जाओ कांग्रेस को दे दो, जाओ सपा को दे दो, जाओ बसपा को दे दो, तो उनके 5-10 लाख वोट बढ़ जाते थे। तो ये क्या कि इनको सरकार संरक्षण देती है, सरकार इनको बढ़ाती है, और जब ये सरकार के लिए सरदार बन जाते हैं तो सरदार सरकार कहती है पुलिस अगर छेतो चार गोरी सी लोंडियां भेजो, इन पर बलात्कार के मुकदमे लगाओ, उठाओ और अंदर कर दो, ठूं काम खत्म। तो ये सच्चाई है। धीरेन्द्र शास्त्री बेचारा 26 साल का 27 साल का लड़का है, नई उम्र का, आएंगी बहुत सारी गोपिका भी निकल करके कहेंगी कि हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हुआ है। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, नई नई दुकान खुली है, सामान बिक रहा है, बिकने दो उसका। अच्छा। हाँ अभी दो एक दो साल में सारा। अच्छा तो टीवी मीडिया इतना तूल क्यों दे रहा है इस मामले? टीवी मीडिया के पास कुछ काम धंधा है नहीं, उनको हिंदू धर्म, गाय, गोबर और सनातनी और ये सारा सिस्टम बना करके रखना। एबीपी की जो एंकर है वो तो धीरेन्द्र बाबा पे भैया अब निशाना ताक रही है, हमारी तरह ही सवाल पूछ रही है वो। हाँ तो बिल्कुल पूछेगी, जिसमें थोड़ी बहुत जिसका थोड़ा बहुत जमीर बचा वो पूछेगा, और जिसमें जमीर बचा ही नहीं है, जो जमीर बेच का वजीर बन गया, अमीर बन गया, वो कहाँ से पूछेगा। अगर 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 तुम्हारी जेब में 4 करोड़ रुपए आ जाए और मेरी जेब में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो कीमत तो हर आदमी की ना भाई, कोई 10 करोड़ में बिकेगा, कोई 10 लाख में बिकेगा, कोई 10 रुपए में बिकेगा, बिकेगा हर आदमी इस धरती पर। जब हम बुद्ध तो हो गए नहीं है कि नहीं बिकेंगे, कबीर नानक तो हो नहीं गए। इसकी एक वजह और बताई जा रही है कि तूल जो टीवी मीडिया इसको दे रहा है, अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है उसमें जो गुजरात दंगा हुआ था उसमें बीबीसी में प्रधानमंत्री को दोषी पाया गया। क्या आपको लगता है कि तूल इसलिए दी जा रही है? बहुत सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्री बनी है उस पर, भारत में बैन कर दी गई है, प्रधानमंत्री जी को उसमें विलन बनाया गया है तो भारत में बैन कर दी गई, उस पर चर्चा ना हो, राहुल गांधी की यात्रा पर चर्चा ना हो, उधर लोगों का ध्यान ना जाए, राहुल गांधी क्या मतलब, ये क्या ना लोगों को फंसा के रखना चाहते हैं। तो इनको जब लगता है ना कि सरकार हाथ से फिसल सकती है, सत्ता का खेल है सब ये सारे का सारा सत्ता का खेल, उनको लगता है कि यार सरकार हाथ से चलेगी तो क्या करेंगे। उस पीरियड में वो सोचते अच्छा अगर नया कुछ चमत्कार करो तो उठा के ले आते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, अब तो आ गए हैं देखिए, बोल रहे हैं कि नेताओं को जो है हिदायत दे रहे हैं कि भैया मुसलमानों के खिलाफ मत बोलो, उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो अब वो बोलेंगे थोड़े ही, नेता थोड़े ही बोलते हैं। जो इन्होंने ये गैंग तैयार कर दिया नीचे नीचे, जब प्रधानमंत्री कहते थे कि कपड़ों से पहचान लेते हैं वो कौन सी भाषा थी, इस देश के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए नहीं चलना चाहिए, भाइयों बहनों तब वो कौन सी भाषा थी, तैयार तो कर लिया ना इन्होंने जमीन, अब जमीन तैयार कर लिए, अब इनको पता विदेशों में इनकी थू हो रही है बहुत ज्यादा, बीबीसी ने भी पिक्चर बना दी, सारा कुछ हो गया, तो कह रहे नहीं बोलो मत, अरे तुम तो नहीं बोलोगे लेकिन नीचे जो तुमने फसल बो दी है वो जो बड़ी हो रही है वो तो बोलेगी ना।
ये सच्चाई है, जो जमीन में बो के निकलेगा तो वही ना, जब बोया पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से खाओगे, जब तुमने बो रखा तो वही खाओगे। और ये नफरत की आंधी में इस देश को क्या नाम है झोंक रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे आएंगे। लोगों को रोजगार की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, काम धंधे की नहीं है लोगों के पास में, और लोग एमटेक बीटेक करने के बाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। आज उनको धर्म के चक्कर में कांवड़ उसमें लगाया जा रहा है। 1980 और 1990 2000 के आसपास तक यह हाल होती थी, यह हाल होता था कि कोई BA MA करने के बाद में कहीं अप्लाई करता था तो चार जगह तो तीन जगह से तीन नौकरी उसके हाथ में होती थी। आज आदमी 10 जगह करता, पेपर लीक होता, नौकरी नहीं है आदमी के पास में, उस ओवर एज हो गया, उम्र निकल गई उसकी। तो सवाल ये हैं, मुद्दे ये हैं, हमारी रोटी कहाँ गई, हमारी रोजी कहाँ गई, हमारी नौकरी कहाँ गई, हम एमटेक बीटेक करने के बाद में हम बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, हमारी शिक्षा इतनी महंगी क्यों कर दी गई। आज की तारीख में आप देखिए, 10 साल पहले 15 साल पहले MBBS फ्री में हो जाती थी UP में जब बसपा की सरकार थी। आज बता दो MBBS करने के लिए क्या है, MBBS करने के लिए 50 लाख रुपये जिसकी जेब में वो MBBS के बारे में सोचेगा, पहले उसको कोचिंग कराओ, MBBS नहीं हुई तो घर बैठेगा। जिस बच्चे ने 25 साल तक 30 साल तक पैंट जींस की पहन करके बढ़िया गुजार दिए, वो तुम्हारे किसी की मजदूरी करेगा, क्या करेगा, या तो चोर बनेगा, बिजनेस उससे आता नहीं, उसके खानदान में कोई नहीं करता, या घर में बैठकर रोटी तोड़ेगा। तो ये सरकार लोगों को बेकार कर रही है, और ये बात हमको समझनी चाहिए। धर्म आदमी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन धर्म को इतना मन मस्तिष्क पर हावी मत कर लो कि वो जो है आगे चल करके तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे राहुल नागपाल जी, जो तमाम जाति धर्म को लेकर लोग इस तरीके के बयान देते हैं, और जो अभी लगातार हनुमान भक्त धीरेन्द्र शास्त्री जो तूल पर है, तो वो आपने सुना कि किस तरीके से धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा।